विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद भाजपा मुख्यालय देहरादून में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, इसी के साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। वहीं सीएम धामी ने समारोह में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता से किया सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये कानून पूरे भारत में लागू होगा, वहीं धीरे धीरे सभी राज्य इसको अपनाएंगे और पूरे देश को समान नागरिक संहिता कानून से आच्छादित किया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद दुराचार, अनाचार, विषमता, असमानता सब कुछ दूर हो जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए ये बिल सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। विधानसभा से समान नागरिक संहिता कानून पारित होने के बाद विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये हम सब का सौभाग्य जिसके इस समान नागरिक संहिता के साथ बरसों बरसों से हो रही थी, हमारी पार्टी का भी संकल्प था और हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था। हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज के दिन पूरा हो रहा है। इसलिए अरे आज का दिन विशेष दिन है और ये सौभाग्य पूरे उत्तराखंड की जनता को मिला है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस सौभाग्य की भागी बनी है कि एक जो पाप, जो दुराचार, अनाचार, अन्याय, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ जो समाज के अंदर थी, तमाम प्रकार की विषमताएं थी, अलग अलग प्रकार की जो समानताएं होनी चाहिए थी, जो एक रूपता होनी चाहिए थी, जो भारत का संविधान कहता था, भारत के संविधान में जब संविधान बनाने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, जो चाहते थे, जिनकी भावना के मूल में था कि सबके लिए देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए।